Index dot html. नाले इनमें से कितने सीसीसी यूज कर रहा हूं, बातें हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट लगाते हैं यहां पे अपना बॉक्स साइज ऑर्डर बॉक्स। तो याद रखें नेक्स्ट मंडे से हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नेम हमारा सबसे पहले अप्लाई 90% root left और margin left जो इसके लिए कर लेते हैं 5% और इसके लिए min height दे देते हैं सारे के लोगों को। बार को ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों को एक इमेज चाहिए होगी तो या तो लोग जाते हैं इस इमेज लेकर लेते हैं अपना सेव कर लो। से एक नाम का फोल्डर बना दो, नाम दे दो स्लाइडर। एक ध्यान से देखना इस कोड को अपना, यहां पे करना आपको बनाना है अपना हेडर 100% हाइट दे दो उसकी 500px। बैकग्राउंड डालना है फिर लीनियर ग्रेडियंट और जीबी में और इसी में कोमा लगा के करना है यूआरएल आपको, मतलब इमेज और वो हमारा एक साथ जाएगा आपको। पिक स्लैश चेंज
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको क्लियर है और बढ़ाना तो और बढ़ा लेंगे अपना मर्जी आपकी ऐसी एक्स और वाई दो लिखा ना विड्थ राइट एक विड्थ के लोगे घट नहीं होने वाला कितना गिला बच्चा अब देखो हम लोगों ने बनाया सबसे पहले टॉप वाला अपना एक ठीक है ना इसकी विड्थ कर दो 100% लेफ्ट और बैकग्राउंड आर जी बी ए 1.7 और इसमें तो अपना आप पैडिंग 0.5% और 5% इसको कॉल करेंगे हम अपने हेडर के अंदर ठीक है ना हमारा चल रहा है क्लास बराबर टॉप याद रखना कि जब आप हेडर बनाओ तो उसके लिए हर एक लिए न्यू न्यूटी बना देते जाओ बाकी जो सेक्शन बनेंगे सब कॉपी पेस्ट करेगा मतलब ऐड भी होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन ग्रेड करता है जाए ठीक ना यहाँ पर हमें क्या बनाना है बनाया हमें बनाना है सबसे एक वेब नेम मतलब एक वेबसाइट का नाम मेरे को ऑटो कर दो नोट लेफ्ट कर दो ऑन सर्विस का 25 PT कर दो कलर वाइट कर दो इसके यहाँ पे ले लेना क्लियर दो रखना को रखेंगे अपना इसके तो बनाने नेविगेशन इसके वैसे मिलो 70% नोट राइट और जो नहीं आ रहा अपना UL close LIHRE बराबर कितने हमारे पास में देखो एक है दो तीन चार पांच छह सात सात अपने पास में एक काम कर तीन चार पेज बना ले अलग अलग अपने ठीक है तो अपना ये लिंक कर सकता हूँ
क्या कर रहे हो? और उस तरीके से भाई चलो वेट तक रहा होगा आप इसकी ऑटो कर देंगे कि ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका ठीक है ना। मैं यहाँ तक अपने ब्रेक में कटिंग करनी पड़ेगी ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर देना सर का। चलिए इसके बाद हमारा क्या रहेगा इसमें ये वाला पार्ट अपना ही ठीक है। तो मैं फिर एक बनाया डॉट मेड के नाम से अपना विड्थ कर दो आप इसकी कितना चल रहा है मतलब 60% लोग लेफ्ट जी मार्जिन लेफ्ट कर दो सर ना 20% मार्जिन टॉप छोड़ दो सर ना 150 kg। इसके अंदर मैं बेस्ट एजुकेशन भी डायरेक्ट हो जाएगा इसके लिए हमें आज हेडिंग यूज करनी पड़ेगी तो ये पी में आ जाएगा हमारा बाकी सब सेम हो जाएगा ठीक है ना। कलर वाइट ठीक है हो गया तो प्रॉब्लम एक मिनट दो मिनट
आफ्टर काम ये होता है कि सबने ये लिख दिया, इसके बाद मुझे कुछ और लिखना है लेकिन उसका अलग फॉर्मेट है, तो उसी मैंने इसको आफ्टर लगा के लिख दिया कंटेंट अपना, अपना अलग से डाल दिया। इसे हमारा उसमें जाएगा अपना ईमेल उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जाइए अपना डॉट मिड लिखिए, स्पेस देखिए पी लिखना है आपको, ठीक है ना, तो पी का जो मार्जिन टॉप रहेगा वो काफी कम होगा 50 पीएस नीचे अपना, ठीक है, सिंपल से। और फॉन्ट वेट कर दो उसका बोल्ड अपना इस तरह से, हमारा बटन इसमें एक बटन क्रिएट करते हैं, हमारे बटन में लिखा हुआ रीड मोर, जो पी लिखा हुआ है इसी के नीचे डाल दो, आ रहा भी समझ में आप लोगों के, तो नहीं होगा उसमें चला रहा है इसका कहना अपना वीएलसी वगैरह में, वीएलसी यहाँ पर है नीचे अच्छा बहुत ही लेगा नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वीएलसी वगैरह में लिखा होगा ना, मेटा का काम है हमारा जो हम लोग एसईओ वगैरह करते हैं ना, मतलब अपनी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे जब लाते हैं हम लोग तो उसके लिए कीवर्ड्स वगैरह लिख देते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल सेम लुक आ गई हमारी। अब आपको क्या करना, समझ में आ गया वाला चैप्टर आपका कैसा था, ठीक है ना, अब नीचे का आपको खुद बनाना है, क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, एक फुल बनाना है, फुल में आ जाएगा, एक फुल और बनाओगे उसमें तीन आएंगे अपने, इसी को नीचे कर देना आपको, ठीक है ना, ये आप बना के देखो, चलो